पिछले एपिसोड में आप मेरी मौसी जी और उनके परिवार से मिले थे और उनके घर और गांव की हमने सैर की थी। आज के इस एपिसोड में हम गांव में एक जगह है जिसे खेड़ा कहा जाता है को देखने के लिए उनके बेटे पंकज के साथ चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। बीवी बच्चे के साथ कौन घूम सकता है? ये क्या हो गया? ये होना ही था। शुक्र है मुझे कुछ नहीं। आपका वैसे है ना मेरा बुलन है ना। ये देखो बरसात के पानी में इससे नीचे बना दी निकल। अच्छा, और ये नीचे जा रहा है बह के तो ये सब उसी तालाब में इकट्ठा होता था, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। खेड़े से आके इधर नदी में चला जाता है आगे। अच्छा, नदी है इधर मुझे। अच्छा, ये तो मुड़ रहे हैं यहाँ पर होते हैं ना। हाँ, उसको बोलते हैं हजार दाना। हजार दाना क्या मतलब? नाम है उसका। अच्छा, इसके जो पत्ते आएंगे ना उसके नीचे ना बहुत छोटी छोटी गांठे गांठे जैसे सिस्ट होता है ना उस टाइप से रहेंगे। ओके, तो जब किसी को पी लिया हेपेटाइटिस बी हो जाए उस वाले की पत्तियाँ। हाँ, उन पत्तियों को लो और उनको छाँव में सुखाओ, पीसो और पानी के साथ ले लो 7 दिन के अंदर। और ये बेर लग गए? ये बेर आ गए। अरे वाह, ये तो मैंने पहली बार देखा खेड़े में बेर लग गए। ये भी कच्चे अभी? कच्चे हैं, छोटे हैं अभी। हाँ, कच्चे हैं। पर ये सूखने क्यों लग गए? पकने से पहले सूखा नहीं है, निशान है पकने के पहले। ये इसको हिंदी में चेप्पा बीमारी बोलते हैं। पूरा क्यों खा रहे हो? अंदर गुठली है इसके। ये अंदर गुठली है, स्वाद ही नहीं अभी। नहीं तो अभी तो ना खट्टा ना मीठा ठीक है ना। ठीक है, धीरे 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 सही होगा। अच्छा, जो चेप्पा बीमारी वाला था उसके अंदर गुठली भी ठीक से नहीं बनेगी। वो इसलिए नहीं बनेगी, बनेगा नहीं तो खराब हो गया पूरा। ये जो पेड़ है इसके ऊपर बड़ा अच्छा फूल आता है, बहुत सुंदर फूल। ये सफेद है या सफेद है? निचोड़े की बात करो पीछे। इसका नाम मुझे भी नहीं पता। पीछे तो निचोड़ा नहीं, थोड़ा ही है ना, प्रॉब्लम तो यही है। ये निचोड़े सही तो है, सेम लग रहा ऐसा है। इसका फूल आता है? नहीं यार, ये निचोड़ा ही तो है, गारंटी है। नहीं है इसका कली नहीं है। इसके पत्ते खा के मुँह लाल हो जाता है, याद है? निचोड़े के पत्ते खा के मुँह लाल हो जाता है। नहीं दूंगा इसको, इसके बारे में नेगेटिव थॉट्स कुछ ज़्यादा सुने हैं मैंने, इसलिए खाने की सलाह नहीं देता। इसके फूल आते हैं बड़े अच्छे, बहुत सुंदर रेड कलर का। मुलाल नहीं होता मतलब निचोड़ा नहीं है, देखने में वैसा जरूर है। मैं खाने की सलाह नहीं देता, मैं तो बड़े एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये देखो गिलहरी का घर। गिलहरी का घर? इतने नीचे घर बना दिया इसने। वो बनाया तो उसमें ऊपर ही होगा, धीरे धीरे नीचे आ गया, पेड़ नीचे आ गया, वापस रिवर्स में चला गया। नहीं वो धीरे धीरे चल रहा है ना, इसका पेड़ चर्चिता होता है। हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं इस्तेमाल करना चाहते। ये क्या? ये चर्चिता है, इसकी जड़ से ना भगवान पेस्ट किया जाता है। आप हफ्ते में एक दिन भी कर लो ना, कभी पीले नहीं होंगे, पारिया नहीं आएगा, दर्द नहीं करेगा। तो इसकी जड़ कैसे निकालेंगे? खोद के इसकी जड़ ऐसे निकालेंगे जी। ये निकल आई, इसको इतना चबाओ और ऐसे रगड़ दो सारे में, बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। नहीं मट्टी लगी ना, तो इसको मैं तो घर में उगा रखे हैं बहुत। लोटा चिटचिटा चरचिटा 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 मतलब नाम है। अब ये तो अरंड, आपका मेरा नाम ही अरंड है। अरंड का तेल जी, अरंड का तेल भी। इसके जो बीज अगर खाते भी है तो गर्म होती है काफ़ी। तो ये है बक्सा। हाँ, जिससे हम शहद और जिसको हम वहाँ बोलते हैं, ये तो खांसी कफ पित्त सबके लिए बहुत बढ़िया। वो काला बक्सा होता है। ये वाला बक्सा है वो सुहांजना, जिसको बोलते हैं सुहांजने की सब्जी, फूलों की सब्जी बनती है। फूलों की सब्जी हाँ, इसका होता है। हाँ, इसके तो फूल, उसके तो फूलों से सब्जी बनती है। हाँ, उसका तो रस ऐसे चूसते थे मीठा मीठा, उसमें फूलों में से शहद निकलता है। हाँ, अभी कली शुरू हो गई, देखिए। हाँ, कलियाँ शुरू हो गई। हाँ, फूल बन जाएगा। पड़ा है? अरे ये तो भरा पड़ा होता है गांव में, जबकि ये बड़ा अच्छा है। सब्जी बहुत अच्छी बनती है इसकी, दिल्ली में काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। बस ये लगा हुआ फूल, ये आगे फूल ऊपर, ये देखा, रुको लो ये आगे पूरा। इसको ऐसे तोड़ो, और ये तो कोई लेके चला गया। क्या मधुमक्खी पी गई? मेरे वाले में है, है ना? वो आपने फ्रेश तोड़ा है ना, मेरे वाले में नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी भी फ्रेश नहीं मिल रहा। एक निकल चुका है इसका, इसमें होगा
इसमें से कुछ और ही निकल आया कीड़ा जैसा इसमें तंदूरी खाओ, तंदूरी तो लगी हुई है तो जमर जी ले लो आप, ये पक चुकी है, मीठी होगी हल्दी की, ये सूख गई है पकने के बाद, नहीं वो बेल सूख गई, ये सूख चुकी है, अब इसके बीजों को डालोगे तो दूसरी जगह, बट टेस्ट अभी मीठा होगा ऑरेंज टाइप वाला। चलो एक चीज और दिखाता हूँ, आपने सुना है कभी सच्चा मोती, सच्ची रिंग्स पहनते हैं लोग, सच्चे मोती का पेड़ होता है, इसके पास मोती निकलता है जिसकी माला बनाते हैं, जिससे काउंटिंग भी करते हैं, वन एट टू वन थाउजेंड, ये तो बांस है, नहीं ये सच्चे मोती का पेड़ है। हाँ जी, ये इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, इतना ही रहेगा, इसके ऊपर डंडिया निकलेंगी, मोती निकलेगा, तो ये बांस है, नहीं नहीं है, कोरी भी है बांस, नहीं पास की आपको लग रहा है वो सेम चलेगा, अब मैं अच्छा। दिखाओ तो मेरे वाले खेत में लगा हुआ भी है, दिखा लाऊंगा, तो इसमें से वो बीड्स निकलते हैं। हाँ जी, बीड्स आते हैं छोटे छोटे, हाँ तो उससे फिर वो पहले ग्रीन आएंगे, फिर ब्लैक होंगे, फिर वाइट होंगे। ओके, सारे देवताओं को एक जगह पर ले आओ, इसलिए मल्टीप्लेक्स, इन पेड़ों को काट के सबको, पेड़ों को काटने की बातें करो तुम, मैं बता रहा हूँ एक नए पेड़ों की ना रो बनाओ, तो इन्हीं के साथ एडजस्ट करके बनाओ, हाँ एक रो जरूरी है जिससे आप ना घूम भी सको, इतने पेड़ नहीं काट सकते आप, नहीं हो सकता, वहाँ हजारों में पेड़ हैं, ये तो सबके यहाँ पे थान बना दिए, नहीं सबके दिन मतलब जो भी चाहे यहाँ। यहाँ जब मर्जी आ जाओ तो एनसी लाइफ पे उसका नहीं है, हवा चलती रहती है, सच्ची यार यहाँ तो इतनी बढ़िया हवा चल रही है, तो मैं तो देख के हैरान हो गया, तभी तुम दोपहर में क्रिकेट खेलते हैं यहाँ, ये भी अभी बना, शायद लखोरी आंटी से बनाया तो मेरा मानना होगा, 70-80 साल पुराना, बैठना इससे नहीं है, हाँ। ये है रकबा, किसके पास जमीन ज्यादा थी, हाँ उसके साथ मैंने नेट पे सर्च किया रोहाना कला, तब मैं यहाँ पहुँच गया, तो रोहाना कला उधर पहुँच गया, रोहाना फूल दिखा दो आप, तुम्हारे यहाँ से सीलिंग है, मुझे मानता हूँ नहीं कि अगर नेचर इसको लेकर नहीं पड़ जाती है, मैं शायद यहाँ अपने गाँव में एक ऐसा लड़का खुद से हूँ जो रात को खेत में पानी चलाता है, नहीं तो मेरे परिवार में कोई नहीं चलाता, कहते दिन में चला लेंगे, बोले चाहे दो दिन बाद चला लें, जंगल की जो वॉइस है ना वो रात को बता देंगे, फिर उसको फील करो, अगर उसको आप महसूस करके ना एक बार आपको कोई जानवर परेशान नहीं करेगा, क्यों कितना मेरे टॉर्च लेनी है यहाँ से, जब टॉर्च ले ली तो फिर क्या खास चांद दिखाई देगा, मेन कारण है हम सूरज नहीं देखते, हम चांद नहीं देखते, हम तारे नहीं देखते, तारे चांद नजर नहीं आता सूरज को देखने के लिए, फुर्सत नहीं है, अच्छा सुबह निकले गाड़ी में बैठे भागे, आए शाम को वापस घर में घुस गए, पूछो किसी से सर्वाइवल क्यों हुआ, गर्दन कब ऊपर उठाई थी, किसी को नहीं, इसलिए नई बीमारियाँ आनी शुरू हो गई, विटामिन डी की कमी, गाँव में चलना है इधर, चलो गाँव से चलते हैं, कहाँ पे जोड़ो दाल, मेरे यहाँ पुराने घर खत्म हो गए, सर्दी कैसे जोड़ो दाल तो है इसकी।
मैं गया ना अभी वहाँ उसके बैठे के ऊपर बैठ गया, बड़ा मजा आया यार। तो बोल रहा था ज्योति को, देख कितना दिमाग था उन लोगों ने, उन्होंने डिजाइन बनाया कड़ी में। हम लेंटर में ही बना पा रहे, इसकी गारंटी है कि 10 साल गिरेगा नहीं। 10 साल की गारंटी बस, और क्या होता है। अच्छा, वो तो 3 साल निकालते रेंटर का, उसका तो बिगड़ते ही नहीं। लेंटर का तो ऐसा है जी, 2 साल में दरारें पड़ जाती हैं। तो बुलेट लेंटर है यार, नहीं तो नहीं, आप मजबूत केमिकल्स को मुक्त करना मत ही मानो। मजबूत था चूना और कली, जितना कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिलता था उतने ही वो चिपकते थे। अच्छा, सीमेंट का उल्टा है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगा उतनी दरारें बढ़ेंगी। अच्छा, हवा लग जाएगी, हवा बड़ी थे वो, बड़ी के सामने ही करना कभी नहीं गए। आपने देखा इस गांव के लिए खेड़ा कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे अपने एक और रिश्तेदार के घर जो इसी गांव में रहते हैं, और देखेंगे कैसे हैं वो लोग और कैसे हैं उनका रहन सहन। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।